छतरपुर में ठप पड़े मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 अप्रैल से छतरपुर के छत्रसाल चौक पर शुरू हुआ यह धरना प्रदर्शन छठवें दिन भी जारी रहा। छठवें दिन धरना प्रदर्शन के लिए गहोई समाज के प्रतिनिधि, सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों सहित कई गणमान्य नागरिक यहां पहुंचे। छत्रसाल चौक पर चल रहे इस क्रमिक अनशन में पहुंचे सीनियर सिटीजन क्लब के इंजीनियर दिलीप अग्रवाल ने कहा कि छतरपुर के साथ धोखा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के जो निर्माण कार्य का पहले भी पुनः भी संघर्ष किया था और इसकी घोषणा हो जाने के बाद भी संघर्ष के बाद अपन को मिला था। आया हुआ मेडिकल कॉलेज कुछ नेताओं की वजह से दतिया चला गया था। आप देखेंगे कि दतिया, ग्वालियर वगैरह या सागर वगैरह सब जगह मेडिकल हो रही है। एक छतरपुर ऐसा है जिसमें पन्ना है, टीकमगढ़ है और आसपास का महोबा है। 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और यहाँ जितनी भारी समस्या मेडिकल कॉलेज यहाँ के लोगों को, गाँव राज के लोगों को दूर दराज भागना पड़ता है। गाँव में वो जाते जाते उनके प्राण पखोड़ी उड़ जाते हैं झांसी पहुँचते हुए, तो इसलिए अति आवश्यक है जैसे तैसे मेडिकल का कार्य निर्माण शुरू हुआ। लेकिन कुछ व्यवस्थाओं से फिर वो रुक गया जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आज अपने यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, अपने यहाँ पे अपने यहाँ किसे सांसद जो हैं, एक अध्यक्ष हैं, अपने यहाँ मंत्री हैं और भी लोग हैं, तो उनको इस बारे में आप, चूँकि आपस में तालमेल ना होने की वजह से वो अगर चाह लें तो ऐसा नहीं 24 घंटे छोड़ो कुछ घंटों में ही काम चालू हो सकता है, लेकिन चूँकि आपस में समझ में न होने से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम चालू नहीं हो पा। मैं इसलिए ये संघर्ष लगातार दोबारा हमारे हरि भाई को संघर्ष करना पड़ा। हरि भाई हमेशा जनता के लिए रात दिन तैयार रहते हैं। कोई किसी भी जनता के लिए किसी भी सुख दर्द का हो, चाहे वो गरीब कन्या को कोई दिक्कत हो, चाहे समाज किसी भी समाज में दिक्कत हो, लेकिन हमने ये देखा हरि भाई किसी भी काम में पीछे नहीं होते। अपने तन बंधन से हमेशा जनता के लिए सहयोग के लिए तैयार रहते। हम सब लोग इनकी एक आवाज़ में आज जो सीनियर सिटीजन है तैयार हैं और वो जब भी जैसा भी चाहेंगे हम उनके संघर्ष के साथ में हमेशा साथ में रहेंगे। हम लोग हमेशा तन मन अनशन करेंगे तो उसमें भी हम लोग साथ देंगे, 24 घंटे का अनशन करेंगे तो भी साथ देंगे, क्योंकि वो जनता के लिए मांग कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत अपनी कोई मांग नहीं है उनकी, उनकी हमेशा जो मांग रहती है जनता के लिए है। और मेडिकल कॉलेज एक ऐसा है कि आज जन जन की आवश्यकता का परिणाम बन गया है, क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी बीमारियाँ अटैक के बन गए, नए नए लड़कों के अटैक के केस सुन रहे हैं। आज अगर छतरपुर में मेडिकल कॉलेज होता तो कहो बहुत से लोगों के हम प्राण बचा पाते, लेकिन छतरपुर में मेडिकल कॉलेज ना होने के हमने आज कितने लोगों को, अपने लोगों को खो दिया, कोरोना में भी खो दिया और अभी भी हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए हमारा सब विनम्र अनुरोध है जनता से तो है ही है और साथ में हमारे नेताओं से अनुरोध है कि वो सब होकर किसी भी परिस्थिति में जल्द से जल्द मेडिकल का निर्माण कार्य शुरू करें। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक नायडू ने भी अपने विचार रखे और कहा कि चुनाव के पहले यदि सरकार ने छतरपुर की इस बुनियादी जरूरत को पूरा नहीं किया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन दूसरी बार शुरू हुआ है और आज गहोई समाज और सीनियर सिटीजन यहाँ मंचासीन है और उनकी भी यही मांग है, उनका भी यही कहना है सबका कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है खासकर आंदोलनकारियों को कि प्रशासन और शासन और सत्तारूढ़ दल के लोग निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने के लिए पीछे क्यों हट रहे हैं। ये जनता के भी समझ में नहीं आ रहा है, आम जनता भी यही कह रही है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल वैसे ही हम लेट हो गए हैं। रही बात 3 मांग जो रखी गई हैं, एक तो विश्व मेडिकल कॉलेज के लिए डीन को नियुक्त किया जाए, दूसरा कि कक्षाएं शुरू करी जाएं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उसकी बिल्डिंग भी नहीं बनी है और विश्वविद्यालय चालू हो गया तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हो सकता है? ये भी करना चाहिए। यही वही सरकार है, वही शासन के लोग हैं, वही प्रशासन है, जब ये सब कर सकते हैं तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी यही होना चाहिए। और ये आंदोलन तब समाप्त होगा जब इसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ये 3 सूत्री जो मांग है ये जब तक पूरी नहीं होगी ये आंदोलन बराबर जारी होगा। अभी तो क्रमिक अनशन है, फिर आमरण अनशन भी प्रारंभ होगा।
अनशन के दौरान गहुई समाज के अध्यक्ष प्रेम रूसिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज सभी समाजों की प्राथमिक जरूरत है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जनता को इस बुनियादी जरूरत के लिए क्रमिक अनशन करना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या है, मेडिकल का बहुत पहले से पिछड़ा हुआ है। आज करीब 15-20 साल से इसका चल रहा है, पर किसी समय अपने मंत्री जी दतिया ले जाते हैं, कोई कहीं ले जाता है। छतरपुर का विकास इसीलिए रुका है, और हमारा ये कहना है कि मेडिकल का जो चयन हुआ है, जो अपनी जगह हुई है, कैंपस तो ही फाइनल हो गया, इसके बावजूद निर्माण क्यों नहीं हो रहा। सुनने में ये आता है कि ठेकेदार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मतलब 2-3 साल से काफ़ी प्राइस महंगाई हो गई है, इसलिए हम काम नहीं करें। ये तो बहाना है, टेंडर में स्पष्ट लिखा रहता है कि जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक आपको इसी रेट पर करना पड़ेगा। क्या प्राइस स्टील की बढ़ गई है, क्या प्राइस सीमेंट की बढ़ गई है, क्या प्राइस लेबर की बढ़ गई है, पता नहीं। ये कारण नहीं, कुछ इसमें और कारण है। ये तो सिर्फ एक बहाना है काम न करने का, और मेडिकल के छात्रों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अन्याय इस टाइप का, जो छात्रों को अभी से पढ़ने का मौका मिल जाता, वो उससे वंचित रह रहे हैं। लिहाजा वो अपन को कभी भी इस अन्याय के साथ कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हम अति शीघ्र इसको 24 घंटे के अनशन के रूप में, और उसके बाद मैं स्वयं केवल मैं आमाण अनशन के रूप में बैठूँगा, और बाकी लोगों को 24 घंटे के लिए बैठा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊँगा। और ज़रूरत पड़ी तो छतरपुर का बाज़ार बंद, मुझे विश्वास है कि इस जनहितैषी मांग के लिए एक मिनट में मेरी मांग पर बंद हो जाएगा, और शासन और प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी मांग को, जो हमारी वाजिब मांगे हैं, केवल 3 मांगे हैं हमारी, कि मेडिकल का कॉलेज रुका हुआ का काम पूरा शीघ्र प्रारंभ किया जाए, यहाँ डीन एवं स्टाफ की नियुक्ति करके पढ़ाई चालू की जाए। हमारे पास बिल्डिंगों की कमी नहीं है मेडिकल कॉलेज के लिए। छतरपुर की जिला चिकित्सालय की 5वीं मंजिल खाली पड़ी है, पूरा सिंचाई कॉलोनी खाली पड़ा है, BSNL की बिल्डिंग खाली पड़ी है, और न जाने ऐसी कितनी बिल्डिंगें खाली हैं जहां पर पढ़ाई चालू की जा सकती है। ऐसा छतरपुर में ही नहीं हो रहा है, इसके पहले रतलाम और अन्य जिलों में भी पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है, इसके बाद मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनी है। मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहूँगा कि आज छठवां दिन है, आज इतने इतने वृद्ध व्यक्ति सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्य यहाँ करके बैठे हुए हैं,